Hello everybody, welcome to Civil Step. In our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of art and culture, जिसमें कि 1995 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर से, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और अभी प्रेजेंटली जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, जिसका पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसमें हमने डांस के कॉम्पोनेंट को डिस्कस किया था. यानी डांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर पेपर्स में, उन सभी को हमने किया था इसके पार्ट फर्स्ट में. और आज हम म्यूजिक और थिएटर वाला जो कंपोनेंट है इस टॉपिक का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड अ टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 टेस्ट होंगे. फर्स्ट टेस्ट आपके लिए फ्री होगा और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रिंट भी कर सकते हैं. और क्वेश्चन के साथ साथ वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप पास्ट वन एंड हाफ ईयर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. और इसमें हमने इन इन सारे सोर्सेज को कवर किया है. एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. So first question is, this question came in the prelims of 2000 and the question is, the rag which is sung early in the morning is तोड़ी, दरबारी, भोपाली एंड भीम पलासी. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो फीचर से पूछा गया है. यानी किसी भी पर्टिकुलर जो राग होता है वो एक एनाटमी है, वो एक टर्म है म्यूजिक से रिलेटेड. तो किसी भी टर्म के या फिर कोई भी जो चीज़ होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. वो जैसे राग है वो शाम को भी गाया जाता होगा, रात को भी गाया जाता होगा. तो जो अर्ली मॉर्निंग में राग गाया जाता है उसका नाम हमसे स्पेसिफिकली पूछा गया है. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तोड़ी. यानी जो राग अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता है उसको तोड़ी नाम से बुलाया जाता है. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दी एनाटमी ऑफ द म्यूजिक. जैसे इसमें राग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे और भी टर्म्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. सो लेट्स नो मोर अबाउट देम. सो एक टर्म है जो एक एनाटमी है इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड, वो है स्वर. सो एंशियंट पीरियड में जो स्वर होता था इट वॉज एसोसिएटेड विद द रेसिटेशन ऑफ द वेदास. यानी वेदास को जो रिसाइट करते थे उसको स्वर का नाम दिया जाता था. लेकिन ओवर टाइम इसकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुकी है. अब जो भी कॉम्पोजिशन होती है उसके नोट या फिर स्केल डिग्री को हम स्वर के नाम से जानते हैं. और करंटली हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है उसमें कौन कौन से स्वर हमारे पास हैं, सारे गामा पाधा नीसा बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने भी इसका नाम सुना होगा. उसके बाद है राग. राग जो होती है वो किसी भी मेलोडी की बेसिस होती है. और राग में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नोट्स इन द राग देर आर थ्री मेन कैटेगरीज. तो राग की जो थ्री मेन कैटेगरीज है वो है ओदव राग, शदव राग एंड संपूर्ण राग. और राग से ही रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया था. उसके बाद नेक्स्ट एनाटमी है ताल. तो जो बीटिंग्स की रिदमिक ग्रुप जो होता है बीटिंग्स का उसको ताल बोला जाता है. और दीज रिदमिक साइकिल्स रेंज फ्रॉम 3 to 108 बीट्स. और जो बहुत सारे म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि देर आर मोर देन 100 ताल्स, लेकिन सिर्फ 30 ताल्स ही हैं जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है. और उन 30 में से भी 10 to 12 हैं जो एक्चुअली यूज़ किया जाता है. एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज ताल्स आर दादरा, कहरबा, रूपक, एक ताल, झाप ताल, तीन ताल एंड आधा चौताल. तो ये जो ताल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो यहाँ पर मैंशनड हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट है रस. तो सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करके जो इमोशंस को इवोक किया जाता है उसको रस बोलते हैं. और दीज हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड दी एस्थेटिक डिलाइट, बिकॉज इससे क्या होता है कि किसी और की आर्ट, समवन एल्स की आर्ट से एक पर्सन जो है इमोशंस को फील कर पाता है. यानी समबडी इज सिंगिंग और समबडी इज प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, उससे दूसरा पर्सन जो है उस इमोशन को फील कर सके उसको ही रस बोला जाता है. और देर आर 9 टाइप ऑफ रस दैट आर नोन एज नौरस. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ठाट. सो ठाट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द रागस इन डिफरेंट ग्रुप्स. तो राग को क्लासिफाई जो कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में उनको ही ठाट बोला जाता है. और प्रेजेंटली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 10 ठाट क्लासिफिकेशन को किया गया है और उनके नाम हमारे पास यहाँ पर गिवन है. जैसे बिलावल, खमज, काफी, असावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी एंड तोड़ी, जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन था. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है समय. यानी जो राग होता है उसके हर राग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पर उसको परफॉर्म किया जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग राग को जो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं उसको टर्म दिया गया है समय. जैसे 12 AM से 12 PM तक जो परफॉर्म किए जाते हैं दोज आर कॉल्ड पूर्व राग. और 12 PM से 12 AM तक जो
किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड उत्तर राग. तो यहाँ पर हमारे सारे जो इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड एनेटमीज हैं उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ये सब आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है. और साथ में ये सारे जो है आपको वो नितिन सिंघानी वाली बुक से भी कवर करनी है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स और बॉक्सेस दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द एनाटमीज. इस और भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए है क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो क्लासिकल म्यूजिक जो है ओवर टाइम उसको दो स्कूल्स में डिवाइड किया गया है. वो एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, और सेकेंड है कर्नाटिक म्यूजिक जो कि इंडिया के साउदर्न पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है. अब हम जानेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में. तो देयर आर 10 मेन स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक. तो हिंदुस्तानी म्यूजिक को जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है. वो हैं ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तरन, सरगम एंड ठुमरी. अब हम डिस्कस करेंगे कि इन 10 में से जो मेजर स्कूल्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. सो फर्स्ट है हमारा ध्रुपद, जो कि ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, और इसका जो मेंशन है वो नाट्य शास्त्र में भी पाया जाता है. एंड ध्रुपद इंक्लूड्स यूज ऑफ संस्कृत सिलेबल्स एंड इज ऑफ टेम्पल ओरिजिन. यानी ध्रुपद में जो है संस्कृत सिलेबल्स का यूज़ किया जाता है और टेम्पल ओरिजिन से रिलेटेड है. यानी जितने भी इसमें म्यूजिक जो होता है वो जनरली डिवोशनल फॉर्म का होता है, बिकॉज टेम्पल से इसका ओरिजिन हुआ है. तो ध्रुपद जो है वो इसके जो ओरिजिन हुआ था वो 13th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन जो जेनिथ था इसका, यानी इसकी हाईएस्ट पॉइंट जो था ध्रुपद का, दैट वाज इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. और जो अकबर थे ही एम्प्लॉयड एंड पैटर्नाइज्ड म्यूजिकल मास्टर्स लाइक बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास एंड तानसेन. तो ये जो तीन हमारे पास पर्सनैलिटीज गिविन हैं, दीज वर रिलेटेड टू द ध्रुपद म्यूजिक, ये आपको ध्यान रखना है. और ये भी कहा जाता है कि जो बैजू बावरक नाम की जो पर्सन थे, ही ऑल्सो सेंग एट द कोर्ट ऑफ अकबर. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चारों पर्सनैलिटीज हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं. जैसे इसमें हमें ध्रुपद से रिलेटेड बताई हैं, क्योंकि क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि दिस पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद वॉट टाइप ऑफ म्यूजिक. तो वहां पर आपको ऐसी चीजें ध्यान रखनी है. सो ध्रुपद सिंगिंग जो है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स. तो फर्स्ट है डागरी घराना, जिसमें से फेमस हैं गुंडेचा ब्रदर्स. उसके बाद है दरभंगा घराना, जिसमें से मलिक फैमिली फेमस है. देन बेतिया घराना, जिसमें से इंद्र किशोर मिश्रा फेमस हैं. एंड फोर्थ इज तलवंडी घराना, जो कि पाकिस्तानी फैमिली जिसमें फेमस है. ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, आगे भी पूछा जा सकता है. तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ख्याल. सो ख्याल जो है पर्शियन वर्ड्स, यानी पर्शियन वर्ड जो है आइडिया और इमेजिनेशन, उससे डिराइव किया गया है. और इसकी जो ओरिजिन है उसका क्रेडिट मिलता है अमीर खुसरो को. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद सुल्तान मोहम्मद शर्की जो थे, ही ऑल्सो गिव द बिगेस्ट पैट्रोनेज टू द ख्याल इन द 15th सेंचुरी. तो सुल्तान मोहम्मद शर्की इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ख्याल. अब हम देखेंगे कि ख्याल म्यूजिक के अंडर जो मेजर घरानाज कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट है ग्वालियर घराना, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं नाथू खान एंड विष्णु पलुस्कार. ये सारी पर्सनैलिटीज आपको ध्यान रखनी है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी और आगे भी पूछे जा सकते हैं. देन किराना घराना है, तो नायक गोपाल जो थे उन्होंने किराना घराना की फाउंडेशन की थी, और इससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो हैं अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी एंड गंगूभाई हंगल. उसके बाद नेक्स्ट है आगरा घराना, जिसको रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है, और इससे रिलेटेड पर्सन्स हैं सीआर व्यास एंड विजय किचलू. देन है पटियाला घराना, इससे रिलेटेड हैं बड़े फतेह अली खान एंड अली बख्श खान. उन दोनों ने ही मिलके इस वाले घराना को स्टार्ट किया था, और अदर पर्सन एसोसिएटेड हैं बड़े गुलाम अली खान. देन भेंदी बाजार घराना है, जिससे छज्जू खान, नज़ीर खान एंड खादिम हुसैन ने मिलकर इसको फाउंड किया था. ये सारे नाम सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ठुमरी. तो राग का जो मिक्सचर होता है उसको ही ठुमरी बोला जाता है, एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक. और जो ठुमरी है दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द भक्ति मूवमेंट. तो जो भी और इसमें जो भी थीम है इसकी वो दैट रिवॉल्व्स अराउंड द गर्ल्स लव फॉर द लॉर्ड कृष्णा. सो इस पे इन्फ्लुएंस जो है वो किस गॉड का है, वो है लॉर्ड कृष्णा. इसकी जो कॉम्पोजिशंस हैं दैट आर संग इन अ फीमेल वॉइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है.
और जो मेन घराना है ठुमरी के, दोज आर बेस्ड इन बनारस एंड लखनऊ, और जो इससे सबसे फेमस पर्सनैलिटी इससे एसोसिएटेड है वो है बेगम अख्तर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ, वो है टप्पा स्टाइल। सो इन दिस स्टाइल रिदम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इसमें फास्ट सटल और नॉटी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो रिदम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और इससे रिलेटेड हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं, वो है मियाँ सोडी, पंडित लक्ष्मण राव एंड शन्नो खुराना। देन नेक्स्ट है तराना स्टाइल। अगेन इसमें भी रिदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड इट यूजेस मैनी वर्ड्स दैट आर संग एट अ फास्ट टेम्पो। और जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट तराना सिंगर हैं वो हैं पंडित रतन मोहन शर्मा, जो कि मेवाती घराना से हैं, और उनको तराना के बादशाह नाम का भी टाइटल मिला था 2011 में। देन नेक्स्ट है गज़ल। तो गज़ल जो है वो पोएटिक फॉर्म है दैट कंसिस्ट ऑफ राइमिंग कपलेट्स एंड अ रिफ्रेन विद ईच लाइन शेयरिंग द सेम मीटर। तो गज़ल जो होती है उसमें हर लाइन का सेम मीटर होता है और एक पोएटिक फॉर्म में गाई जाती है। और जो गज़ल है उसका भी फर्स्ट एक्सपाउंडर जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि जो ख्याल घराना है, जो ख्याल स्टाइल है, उसके भी फर्स्ट प्रोपाउंडर जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट हिंदुस्तानी म्यूजिक। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999, और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट गिवन है। सो फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास आर्टिस्ट का नाम दिया हुआ है, और सेकेंड लिस्ट में उनसे रिलेटेड जो आर्ट है वो गिवन है। सो फर्स्ट है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कार, सेकेंड वेंकट माही, थर्ड श्यामा शास्त्री एंड फोर्थ इज अमीर खुसरो, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड आर्ट गिवन है। सो अभी हमने पढ़ा था पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में। सो ही रोट द म्यूजिक फॉर द सॉन्ग वंदे मातरम। तो अभी प्रेजेंट फॉर्म में जो वंदे मातरम का सॉन्ग है उसका म्यूजिक जो है वो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कार ने दिया था, दैट्स व्हाई ए इज मैच टू 4। सो व्हेन वी नो दैट ए इज मैच टू 4, देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नाउ वी आर रिमेन विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग बी जो वेंकट माही है उन दोनों में ही 1 है। सो वेंकट माही इज मैच टू, दैट इज इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ राग क्लासिफिकेशन इन इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक में जो राग क्लासिफिकेशन की थी दैट वाज डन बाय वेंकट माही, सो बी इज मैच टू 1। उसके अलावा श्यामा शास्त्री और अमीर खुसरो में से, अभी हमने अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा था, एंड ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ द ख्याल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। सो डी इज मैच टू 3। सो दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए इज मैच टू 4, बी इज मैच टू 1, डी इज मैच टू 3, एंड लास्ट रिमेनिंग सी इज मैच टू 2, दैट इज श्यामा शास्त्री इज द प्रोपोनेंट ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। सो आर आंसर इज ऑप्शन बी। सो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें से दो ऑप्शंस के बारे में नहीं पता था, स्टिल वी हैव डिड्यूस्ड आर आंसर। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से जो है आंसर डिड्यूस कर सकते हैं, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006, एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं गीता चंद्रन, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल एंड स्वप्न सुंदरी। तो अभी हमने पढ़ा था, जब हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर अभी सिंगर्स और उनकी आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर एक ख्याल जो फॉर्म थी उसमें ही किराना घराना में सब जो पर्सन एसोसिएटेड थे मैंने आपको बताया था वो थे गंगूबाई हंगल। सो गंगूबाई हंगल इज रिलेटेड टू द हिंदुस्तानी म्यूजिक, ही इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन सी। सो आप देख सकते हैं कि पर्सनैलिटीज़ जो हैं किसी भी म्यूजिक फॉर्म से रिलेटेड या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं से ही बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question came in the prelims of 2009, and the question is the brothers Umakant and Ramakant Gundecha are Dhrupad vocalist, Kathak dancers, Sarod maestros and tabla players. तो अभी जब हमने ध्रुपद के बारे में पढ़ा था, जो ध्रुपद फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, उसी में ही हमने पढ़ा था कि जो गुंडेचा ब्रदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो उमाकांत एंड रमाकांत गुंडेचा ब्रदर्स जो हैं वो ध्रुपद वोकलिस्ट हैं, दैट्स वायर आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2012 और क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ध्रुपद वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया दैट हैज बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ध्रुपद से रिलेटेड हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि विच ऑफ देम आर करेक्ट. सो फर्स्ट है ध्रुपद ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग अ मुगल पीरियड. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा ट्रिकी है क्योंकि अभी जब हमने ध्रुपद के बारे में पढ़ा था उसमें हमने देखा कि ध्रुपद ओरिजिनेटेड इन द 13th century लेकिन उसका जो जेनिथ है यानी जो उसका सबसे पॉपुलर टाइम था वो था अकबर के टाइम में जो कि मुगल पीरियड था. तो उसी से ही यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि ध्रुपद जो है दैट डेवलप्ड यानी दैट रीच्ड जेनिथ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बट इट डिड नॉट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बिकॉज ध्रुपद ओरिजिनेटेड इन द 13th century. दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है ध्रुपद इज प्राइमरली अ डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक. तो मैंने आपको बताया था कि जो ध्रुपद है वो टेम्पल से ओरिजिन हुआ था और उसका जो ज़्यादातर जो थीम्स हैं दैट आर रिवॉल्व्ड अराउंड डिवोशनल म्यूजिक. सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद थर्ड है ध्रुपद अलाप यूजेस संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रास. तो अगेन ये भी मैंने आपको स्लाइड में डिस्कस किया था कि ध्रुपद जो है उसमें संस्कृत सिलेबल्स का यूज किया जाता है. दैट्स वाई सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सो आर आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 2 and 3 ओनली. सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्लासिकल म्यूजिक. मैंने आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक डिस्कस किया आपके साथ. इसके अलावा जो कर्नाटिक म्यूजिक भी है जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेमस है उसके बारे में दैट इज़ योर असाइनमेंट. कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में आपको खुद पढ़ना है लेकिन जो डायमेंशंस आपको पढ़नी है किस तरीके से आपको पढ़ना है वो आई हैव एक्सप्लेन्ड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक और उसी के अकॉर्डिंग आपको कर्नाटिक म्यूजिक भी कवर करना है. अब हम डिस्कस करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में. सो देर आर 4 मेजर ट्रेडिशनल कैटेगरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. 4 तरीके के हैं. सो फर्स्ट है अवनाद और अवनाद वाद्य जिनको हम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं एंड दीज आर द मेम्ब्रेनोफोन इंस्ट्रूमेंट्स एज दे कंटेन एन आउटर मेम्ब्रेन विच इज बीटन टू टेक आउट पर्टिकुलर म्यूजिकल साउंड्स. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बीट करके ही पर्टिकुलर म्यूजिकल साउंड जो निकलती है उनको हम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. और इसका सबसे एंशियंट एग्जाम्पल जो है वो है भूमि दुंदुबी जिसको अर्थ ड्रम भी बोला जाता है. और इससे रिलेटेड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं तबला ड्रम ढोल कॉन्गो एंड मृदंगम. और इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हैं तबला एंड मृदंगम क्योंकि तबला इज यूजुअली द अकम्पेनिमेंट ऑफ द मोस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल्स. तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो है ज़्यादातर तबले को यूज़ किया जाता है और जो कर्नाटक म्यूजिक है उसमें मृदंगम का यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे कि तबला और मृदंगम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को. सो तबला से रिलेटेड हैं पंडित अनोखेलाल मिश्रा अहमद जैन तिरखवा उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी पंडित अनिंदो चैटर्जी एंड जाकिर हुसैन. और मृदंगम से रिलेटेड है मदुराई टी श्रीनिवासन टी रंगनाथन दक्षिणामूर्ति पिल्लई एंड वेलोर जी रामभद्रन. तो ये आपको ध्यान रखनी है यानी किसी भी पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कौन सी पर्सनैलिटीज हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है शुशीर वाद्य जिनको विंड इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से बोला जाता है और ये एरोफोन होते हैं यानी दीज कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल दी विंड इंस्ट्रूमेंट्स. और वो हैं बांसुरी जिसे फ्लूट बोला जाता है शहनाई पुंगी एंड ननकर्न्स. अब हम जानेंगे शहनाई के बारे में. सो शहनाई जो है ओल्डेस्ट विंड इंस्ट्रूमेंट्स है इंडिया में और जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है ही इज़ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू शहनाई जिनको शहनाई किंग के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद है हमारा फ्लूट. तो फ्लूट से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड रोनू मजूमदार. ये दोनों आपको ध्यान रखनी है. इवन सारी जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वो आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद थर्ड है घन वाद्य. इट इज़ द जॉनरे ऑफ द सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ट्यूनिंग और इनको ईडियोफोन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है. और इसके एग्जांपल्स हैं मजीरा जिसको सिंबल्स बोला जाता है जलता रंग कंच तरंग झांझ खड़ताल घटक या फिर घटम. सो अब मजीरा जो है वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशंस में भी मजीरा को मिला है. तो मजीरा जो है बहुत ही ज़्यादा एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है. अब हम देखेंगे जो घटक इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को. तो वो है थेटाकुड़ी हरिहरन विनय क्रम. उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है ताल या फिर टाटा वाद्य जिनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से बोला जाता है एंड दीज आर द कॉर्डोफोन्स यानी
these are the string instruments that functions best when their sound is modified by hand. यानी हैंड से जब स्ट्रिंग को स्ट्राइक करते हैं तब उससे जो म्यूजिकल साउंड निकलती है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को ताल वाद्य बोला जाता है. और इसमें थ्री मेजर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं. फर्स्ट है बाउड इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द साउंड इज ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉइंग अ बाउ, जिसके एग्जाम्पल हैं सारंगी, एसराज एंड वायलिन. देन प्लेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको जो स्ट्रिंग्स हैं वो फिंगर से प्लग करके बजाया जाता है, उसके एग्जाम्पल हैं सितार, वीणा एंड तंबूरा. और थर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट आर स्ट्रक बाय स्मॉल हैमर और अ पेयर ऑफ स्टिक्स, इसके एग्जाम्पल हैं गोटू वाद्यम एंड स्वरा मंडल. अब हम देखेंगे इन इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं सितार से रिलेटेड हैं रविशंकर, अनुष्का शंकर एंड पंडित निखिल बैनर्जी. वायलिन से रिलेटेड हैं एल सुब्रमण्यम, लालगुडी जयरमन, कनाकुडी वैद्यनाथन. तो मैंने अभी आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जो हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ के नाम बताए हैं, लेकिन योर वर्क इज़ नॉट फिनिश्ड हियर. आपको जो भी करंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर न्यूज़पेपर में आता है या फिर न्यूज़ में आता है तो वो आपको नोट करना है, क्योंकि यूपीएससी जो है पर्सनैलिटीज़ ऐसे रैंडमली नहीं पूछती है. जो भी पर्सनैलिटीज़ उस टाइम पर न्यूज़ में होती हैं उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है. तो अगर आप इफ़ यू केम अक्रॉस एनी पर्सनैलिटी रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस और म्यूज़िक, यू हैव टू नोट डाउन दैट कि कौन से म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं या फिर किस टाइप के डांस से रिलेटेड हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछने की. नाउ अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो कि इन इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड हैं. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2000 और हमारे पास यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई हैं. फर्स्ट लिस्ट में आर्टिस्ट के नेम्स गिवन हैं एंड सेकंड लिस्ट में मीडियम ऑफ म्यूजिक डिलीवरी, यानी दीज आर्टिस्ट आर रिलेटेड टू विच काइंड ऑफ म्यूजिक डिलीवरी. सो फर्स्ट हैं बाल मुरली कृष्ण, देन मीता पंडित, देन कन्याकुमारी, देन निखिल बैनर्जी. सो अभी हमने पढ़ा था निखिल बैनर्जी जो हैं ही इज़ रिलेटेड टू सितार, वो सितार प्लेयर हैं, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था. सो डी इज मैच टू 3. सो इफ वी नो दैट डी इज मैच टू 3 देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. नाउ वी आर रिमेन विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, और इन दोनों ही ऑप्शन में ए इज मैच टू 5, यानी बाल मुरली कृष्ण जो हैं ही इज रिलेटेड टू कर्नाटिक वोकल. सो ए इज मैच टू 5 एंड डी इज मैच टू 3. सो इस तरीके से जो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद जो हमारे पास कन्याकुमारी हैं शी इज़ रिलेटेड टू घटम, घटम से रिलेटेड जो है घटम जो इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड पर्सनैलिटी है कन्याकुमारी. देन मीता पंडित जो हैं शी इज़ रिलेटेड टू हिंदुस्तानी वोकल. तो इस तरीके से ए इज़ मैच टू 5, बी इज़ मैच टू 1, सी इज़ मैच टू 2, डी इज़ मैच टू 3. सो आर आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 5, 1, 2, 3. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं. और ये जो सारी पर्सनैलिटीज़ हैं वो इनमें से ज़रूर कोई ना कोई न्यूज़ में रही होंगी, तभी ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2004 एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन एज एन एक्सपोनेंट ऑफ फ्लूट. सो फ्लूट से रिलेटेड पर्सनैलिटी के बारे में हमसे पूछा है. ऑप्शंस हैं देबू चौधरी, मधुप मुदगल, रोनू मजूमदार एंड शाहफात अहमद. तो अभी हमने जब फ्लूट के बारे में पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा कि फ्लूट से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, वो थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एंड रोनू मजूमदार. सो दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2017 एंड द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू मणिपुर संकीर्तन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो मणिपुर संकीर्तन जो है उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स गिवन हैं. सो फर्स्ट है इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस. सेकेंड, सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द परफॉर्मेंस. थर्ड है इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो जो कल मैंने आपको बताया था कि जो मणिपुरी डांस है उसी से ही मणिपुरी संकीर्तन भी रिलेटेड है एंड मणिपुरी डांस इज रिलेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा और उसी से ही मणिपुरी संकीर्तन रिलेटेड है. दैट्स वाई थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. सो इफ वी नो दैट थर्ड इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी. उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस रह जाते हैं. इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस एंड सिम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द परफॉर्मेंस. तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज मणिपुर संकीर्तन जो है उसमें ड्रम्स को भी यूज़ किया जाता है. तो सिम्बल्स आर यूज इन दैट बट दोज आर नॉट दी ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज. दैट्स वाई सेकेंड इज इनकरेक्ट. उसके बाद फर्स्ट है इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट हेयर. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन बी.
सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मणिपुर संकीर्तन से ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया है, हमें क्या क्या कवर करना पड़ेगा. तो मणिपुरी संकीर्तन जो है वो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट है उसमें इंक्लूडेड है. तो उसमें हम आई थिंक 12 या 13 इंडिया की चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. साथ में 2016 या फिर 17 में योगा जो है उसको उस लिस्ट में शामिल किया गया था, और मणिपुरी संकीर्तन उस लिस्ट में ऑलरेडी था, और वहीं से ही यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है. तो हम डिस्कस करते हैं यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में. तो उसमें 13 आर्ट्स इंक्लूडेड हैं. फर्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, सेकंड रामलीला, थर्ड कुटियट्टम जो कि संस्कृत थिएटर होता है, नेक्स्ट है रामन जो कि रिलीजियस फेस्टिवल होता है एज वेल एज रिचुअल थिएटर भी होता है ऑफ द गढ़वाल हिमालयस, नेक्स्ट है मुडियेट्टू विच इज़ अगेन रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, देन कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान, छाऊ डांस जो विच इज़ अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट और इसको मास्क डांस भी बोला जाता है, नेक्स्ट है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, देन संकीर्तन जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दीज आर द रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठटेरास ऑफ जंडियाला गुरु, नेक्स्ट है योगा, नवरोज एंड कुंभ मेला. तो ये सारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो सारे इन कॉम्पोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, दैट इज़ योर असाइनमेंट. अब हम जानेंगे मणिपुर संकीर्तन के बारे में. सो कौन सी कम्युनिटी इससे रिलेटेड है, वो है हिंदूज ऑफ मणिपुर, और मणिपुर प्रोविंस और असम का जो रीजन है वहाँ पर इसको किया जाता है. एंड संकीर्तन इज द आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मणिपुरी वर्शिप, यानी इट्स अ टाइप ऑफ वर्शिप जिसको म्यूजिक की फॉर्म में किया जाता है. एंड दिस आर्ट कंसिस्ट ऑफ नैरेटिव सिंगिंग एंड डांसिंग, और ये जो है हमेशा मंडल में परफॉर्म किया जाता है इनसाइड अ मंडप अटैच टू अ टेम्पल, और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो है ड्रम्स एंड सिंबल्स. एंड दिस संकीर्तन जो है वो टेम्पल के सेंटर में परफॉर्म किया जाता है, वेयर परफॉर्मर्स नरेट द लाइफ्स एंड डीड्स ऑफ कृष्णा थ्रू सॉन्ग एंड डांस. और इसके दो मेन सोशल फंक्शंस भी हैं कि एक तो जो भी उस रीजन के लोग होते हैं, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर ऑन फेस्टिव ओकेशंस, साथ में इट एस्टैब्लिशेस एंड रीइंफोर्सेस रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी थ्रू लाइफ साइकिल सेरेमनीज. सो दिस वाज ऑल अबाउट मणिपुरी संकीर्तन. इसके साथ साथ आपको जितने भी अगेन मैंने आपको बताया कि लिस्ट में जो भी दिए हुए हैं उन सभी के बारे में आपको प्रिपेयर करना है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रिलिम्स ऑफ 2002, और अगेन इसमें भी हमें दो लिस्ट दी हुई हैं जिन्हें हमें मैच करना है. एक तरफ आर्टिस्ट का नाम है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आर्ट्स का नाम है. सो फर्स्ट है हिरेन भट्टाचार्य, मालिनी राजुरकर, प्रतिभा प्रहलाद एंड वेमपति चिन्ना सत्यम. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 95% चांस ये होता है कि दोज पर्सनैलिटीज मस्ट बी न्यूज़ में जो होती है उस टाइम के करंट में उसी से ही यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछती है. जैसे हिरेन भट्टाचार्य जो हैं उनको 2001 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर पपेट्री. सो ही इज़ रिलेटेड टू पपेट्री. ए इज़ मैच टू 4. सो वैन वी नो दैट ए इज मैच टू 4, देन वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी. तो अब हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा. उसके साथ साथ प्रतिभा प्रहलाद जो हैं उनको भी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर डांस 2001 में ही, जो कि 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो 1 में वो उसकी करंट न्यूज़ में था. सो प्रतिभा प्रहलाद को भरतनाट्यम डांस के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला एंड शी वॉज द यंगेस्ट रेसिपियंट ऑफ दिस अवार्ड. सो सी इज मैच टू 1. सो वैन वी नो दैट ए इज मैच टू 4 एंड सी इज मैच टू 1, देन वी कैन डिड्यूस दैट आर आंसर इज ऑप्शन ए. और वेमपति चिन्ना सत्यम के बारे में भी हमने पढ़ा था दैट ही इज रिलेटेड टू कुचिपुड़ी डांस. सो आर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 4-2-1-3. सो इस तरीके से आप डिड्यूस कर सकते हैं, और जितनी भी पर्सनैलिटीज अभी प्रेजेंट टाइम में करंट में जो होती हैं उन सभी के आर्ट्स के बारे में आपको जानना है, सो दैट इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this question came in the prelims of 2014, and the question is, a community of people called Manganiars is well known for their. So Manganiars एक people की community है और वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं. हमारे पास options हैं, martial arts in north east India, musical tradition in north west India, classical vocal music in south India and Pitra Dura tradition in central India. तो जो मंगनियार्स हैं वो एक लोगों की कम्युनिटी है विच आर रिलेटेड टू म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. सो अगेन ये वाला क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि अगेन इससे कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, हमें क्या क्या कवर करना है. तो 2014 में ये वाला क्वेश्चन आया है और उस टाइम पर मंगनियार्स जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़पेपर में इनके बारे में आया था. सो वहीं से यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पिक किया है. सो मंगनियार्स जो हैं दोज आर म्यूजिशियंस फ्रॉम मारवाड़, जो कि राजस्थान का साउथ वाला जो एरिया है उससे बिलोंग करता है. और अगेन दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट जहाँ से उनको नाम मिला है. एंड मंगनियार्स आर फ्रॉम द बार्डिक ट्रेडिशन लाइक होमर, हु इज थॉट टू हैव बीन एन ओरल परफॉर्मर रेदर देन अ राइटर. और ये जो मंगनियार्स होते हैं दे आर ऑल मुस्लिम्स, लेकिन जो ये सॉन्ग्स गाते हैं वो हिंदूज के सॉन्ग होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको ध्यान रखना है. एंड दीज मंगनियार्स प्राइमरली परफॉर्म एट फंक्शंस इन द विलेजेस ऑफ मारवाड़ एंड बारमेड. और यहाँ पर मैंने आपको सोर्स भी प्रोवाइड की है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था वो सारी लाइफ मिंट में एक आर्टिकल आया था उसमें से पूछा गया है. लाइफ मिंट के साथ साथ द हिंदू में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स हैं सब में मंगनियार्स के बारे में आया था ड्यूरिंग दिस टाइम. सो वहीं से ही यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पिक किया है. सो अगेन आपको पता चल रहा होगा कि करंट अफेयर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए भी, क्योंकि वी ऑफन ओवरलुक आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द न्यूज़पेपर, बट वी शुडंट, बिकॉज उसी से ही यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस को पिक करती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of recent 2018, and the question is, with reference to cultural history of India, consider the following statements. So cultural history से related question है. First है, most of the Tyagaraj Kritis are devotional songs in praise of Lord Krishna. Second, Tyagaraj created several new ragas. Third, Annamacharya and Tyagaraj are contemporaries. And fourth is, Annamacharya Kirtanas are devotional songs in praise of Lord Venkateshwar. सो अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है अगेन ये भी करंट अफेयर से पिक किया गया है, क्योंकि 2017 में जो त्यागराज जो पोएट हैं उनकी 250th एनिवर्सरी थी तो उसको सेलिब्रेट किया गया था. और इसके बारे में त्यागराज जो हैं इनके बारे में बहुत सारे मतलब जितने भी मेजर न्यूज़पेपर्स हैं सभी में आया था, और वहीं से ही ये वाला क्वेश्चन हमारा पिक किया गया है. सो अब इनके बारे में जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृतीज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज जितने भी त्यागराज ने जो डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए थे दैट आर इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड राम. दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. उसके बाद नेक्स्ट है, त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग्स. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ही क्रिएटेड सेवरल न्यू राग्स. देन अनमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज, और अनमाचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर. सो अनमाचार्य हैं अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड सिंगर हैं, एंड ही यूज टू मेक सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, जो कि लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म है. सो फोर्थ जो है वो हमारा अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है. सो उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, अनम्माचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्रेरीज. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अनम्माचार्य केम मच बिफोर देन त्यागराज. सो थर्ड और फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है. दैट्स वायर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 4 ओनली. नाउ लेट्स नो मोर अबाउट दीज पोएट्स. सो त्यागराज जो है जिनको त्यागैया भी बोला जाता है तेलुगु में, ही इज़ द रिनाउंड कंपोजर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक. तो कर्नाटिक म्यूजिक के कंपोजर थे, और इनको क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन में ही इज़ हाईली प्रोलिफिक एंड इन्फ्लुएंशियल. और इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे वो थे श्यामा शास्त्री एंड मुथु स्वामी दीक्षितकर. ये दीक्षितर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूज़पेपर में मेंशन थी सब में, हिंदू में भी थी, लाइव मिंट में भी थी, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में भी थी. तो वहीं से ही जो है यूपीएससी ने इसमें स्टेटमेंट डाला था कि अनम्माचार्य इनके कंटेम्प्रेरी थे या नहीं, बिकॉज न्यूज़पेपर में मेंशन था श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर जो हैं वो इनके कंटेम्प्रेरीज थे. देन त्यागराज कंपोज थाउजेंड्स ऑफ डिवोशनल कॉम्पोजिशंस मोस्टली इन तेलुगु इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड राम.
और इनकी स्पेशल मेंशन जो है फाइव ऑफ हिज कॉम्पोजिशंस कॉल्ड द पंचरत्न कृतीज विच आर ऑफन संग इन प्रोग्राम्स इन हिज ऑनर. और त्यागराज जो है फोर किंग्स के टाइम, जो मराठा डायनेस्टी के चार किंग्स थे उनके टाइम पर त्यागराज थे, जो है तुलाजा सेकेंड, अमर सिम्हा, सरफोजी सेकेंड एंड शिवाजी सेकेंड. तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से किंग के रेन के टाइम पर त्यागराज जो है पोएट थे, तो वहाँ से आप इसको जान सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पोएट या फिर सेंट हैं वो हैं अनम्माचार्य, जो कि 15th century के हिंदू सेंट थे. एंड ही यूज टू कंपोज सॉन्ग्स कॉल्ड संकीर्तन इन प्रेज ऑफ द गॉड वेंकटेश्वर, अ फॉर्म ऑफ विष्णु. तो संकीर्तन से रिलेटेड जो सबसे पहले जो सॉन्ग्स बनाए थे वो अनम्माचार्य ने बनाए थे. एंड ही इज़ द फर्स्ट नोन कंपोजर इन कर्नाटिक म्यूजिक. तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं. अगर आपने, मैंने आपको जैसा आपको बताया कि असाइनमेंट में आपको कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में पढ़ना है, सो कर्नाटिक म्यूजिक के जो पहले कंपोजर हैं वो अनम्माचार्य को माना जाता है. एंड द म्यूजिकल फॉर्म ऑफ द कीर्तन सॉन्ग्स दैट ही कंपोज्ड आर स्टिल पॉपुलर अमंग कर्नाटिक म्यूजिक. और कर्नाटिक म्यूजिक कॉम्पोजिशंस को इनके सॉन्ग्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट त्यागराज एंड अनम्माचार्य. इसी तरीके से और अगर कोई भी पर्सनैलिटी न्यूज़ में रहती है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. किसी पर्सनैलिटी, कोई ओल्ड पर्सनैलिटी है जिनकी एनिवर्सरी है, 50th anniversary है, 100th anniversary है, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this question came in the prelims of 1996 and the question is which one of the following pairs is correctly matched. So इसमें correctly matched pair को पूछा गया है. So first है नक्काल बिहार, तमाशा उड़ीसा, अंकियानाट असम एंड बाहा पंजाब. तो यहाँ पर हमें स्टेट से रिलेटेड थिएटर्स के बारे में दिया हुआ है. सो इंडियन थिएटर वाला जो चैप्टर है नितिन सिंघानिया से, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो वहाँ पर जितने भी थिएटर्स दिए हुए हैं सारे स्टेट से रिलेटेड वो आपको सारे कवर करने हैं. लेकिन आपको बहुत डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना ही कि कौन सा थिएटर जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है, या अगर उसकी कुछ स्पेशलिटी है तो इतना ही सिर्फ आपको जानना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इसे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है. यू कैन सी सो नक्काल जो है दैट इज़ अ थिएटर बिहार में. तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. उसके बाद जो तमाशा है, तमाशा जो है महाराष्ट्र में होता है, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट है. देन अंकियानाट जो है वो असम में होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था डांस वाले उस फॉर्म में, डांस वाली वीडियो में. और उसके बाद नेक्स्ट है बाहा. तो बाहा जो है वो हो मुंडा और संथाल जो कम्युनिटी हैं उनके फेस्टिवल को बोला जाता है. तो वहाँ पे बाहा जो एक तरीके का डांस भी है और उनका फेस्टिवल भी है. सो बाहा इज़ रिलेटेड टू देम एंड नॉट टू पंजाब, दैट्स वाई डी इज़ इनकरेक्ट हेयर. सो हमारे पास बी और डी इनकरेक्ट है. बट क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिर्फ एक करेक्टली मैच्ड पेयर है, लेकिन इसमें ए और सी दोनों करेक्ट हैं, दैट्स वाई इट्स अ मिस्टेक बाई UPSC. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर दो करेक्टली मैच्ड हमारे पास पेयर्स हैं. और अगेन आई एम सेइंग कि जितने भी इंडियन थिएटर्स हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुछ अगर स्पेशलिटी है उनकी तो वो आपको कवर करनी है, दैट्स योर असाइनमेंट. सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. यहाँ पर हमने ये जो टॉपिक था म्यूजिक, थिएटर एंड डांस का, इन सबको कवर कर लिया है, जो भी क्वेश्चन आए हैं इनसे रिलेटेड पास्ट 23 years में. एंड आई होप हमारी वीडियोज आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं. फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल. और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com. अगले लेक्चर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज. बाय बाय.